हूँ कि इंडिया टीम जो है सिर्फ न्यूजीलैंड को ना हरा है बल्कि ये T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए, मतलब हमारे ही इंडिया में हो रहा है तो कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी राउडी बैंगलोर टीम पूरी सपोर्ट कर रही है इंडिया को, और जब हमारा सपोर्ट है तो इंडिया का जीतना बिल्कुल वाजिब बनता है। इसके लिए मैं एक आपको जो हमें सरप्राइज़ देना था टीम को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हम लोग की जो मैच है वो 18th को है फ्राइडे के दिन, और इंडिया पाकिस्तान की मैच 19th को है, तो अगर हम लोग की टीम जीतती है 18th को, तो मैं सब हमारी टीम के साथ हम लोग जाएंगे कलकत्ता देखने के लिए। और क्या बात है, बहुत बड़ा सरप्राइज यार, ये तो मेरे को पहले नहीं पता था, अभी पता चला है ऑन कैमरा। मेरे बड़े प्राइसलेस से रिएक्शन आप लोगों ने कैप्चर कर लिए इस बात पे, मैं जान लगा दूंगा, अब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मेरे को मैच देखना है इंडिया पाकिस्तान का। देखिए मैं फ्रेंकली आपको एक बात बताऊँ, जिस बॉल से हम लोग खेल रहे हैं ना, वो बॉल किसी की नहीं है। जिस दिन जिसका टाइम रहा ना, वो किसी को भी हरा सकता है, चाहे हम लोग दिल्ली के अगेंस्ट खेले या चेन्नई के अगेंस्ट खेले, बट जिस दिन जिसका टाइम रहा वो मैच जीतेगा। डर की बात, डर तो खैर किसी से भी नहीं है, अपने ही गेम खेलना है, तभी वी आर लाइक प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट, सबके शूट्स होते हैं, उसके बाद भी थके आ रहे, सब आते हैं शूट के बाद, या लेट्स प्ले एज अ टीम। सो अच्छा चल रहा है, आप लोगों का साथ रहा, दुआएं रहीं, तो बिल्कुल जीतेंगे गेम फर्स्ट ही। ये कब हुआ भाई? ये जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी अभी जस्ट। तूने किया? किसे सुनाया? मयंक भाई ने, हमारे मयंक भाई जो हमारे ओनर हैं, उन्होंने। थैंक यू मयंक, थैंक यू मयंक यार, डेफिनेटली बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच जीतने के लिए हम हराएंगे भाई, किसी भी टीम को हराएंगे। मैं तो बोला कि हराएंगे 18th को भाई, हराएंगे। भाई ने बोल दिया है कि उनको हराना है, तो मतलब हराना है, फिर आपको कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास, क्योंकि आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो चंडीगढ़ क्या है। एक सीरियस नोट पे है कि वो तो चलो एक बेनिफिट है, लेकिन डेफिनेटली नहीं भी होता, हम जी जान से कोशिश करके उनको हराएंगे ही हराएंगे। इंडिया गो इंडिया, इंडिया जीती हुई आ रही है, सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स एंड द टीम। एमएस धोनी जस्ट नेल इट, जस्ट प्ले वेल, मतलब एज अ टीम। वी ऑल बैंगलोर राउडीज विश इंडिया ऑल द बेस्ट एंड दे विन फॉर एवरीबॉडी फर्स्ट। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छी स्पिरिट से आई, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हम लोग, फिर हमने एशिया कप मारा है। आई थिंक इस सेटअप में इस वक्त देखा जाए, करंट रनिंग सिनेरियो, इंडियन टीम इज रैंकिंग 1 डेफिनेटली, और उनको गलती से नहीं दिया गया कि नहीं। आज पिछले कुछ 14-15 T20s में से हमने 11 चलो कोई बात नहीं, चलो आपकी बात, 7 तो लकी नंबर है, तो कल 8वां होगा, फिर 9वां होगा, फिर ऐसे करते 11-13 के बाद कप ले आएंगे, आ जाएगा जी। और वो एक जाते जाते आप लोगों का एक टैगलाइन है आप लोगों के टीम की, तो वो एक हम चाहेंगे कि सी, अभी टैगलाइन जो लास्ट ईयर वाली थी वो इस साल कुछ नया बनाया है हम लोग, अभी ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा परफेक्ट रहेगा, बट स्टिल वो मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बोलता हूँ। आई थिंक किसी दूसरी टीम मेंबर को मालूम होगा, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर बताएंगे, सेठ को पता होगा। फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल दर्शक, हम देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा शो देखिए BCL, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अगला सीजन और बेहतर ला सके आपके लिए। थैंक यू सो मच।